हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टुडेस लेसन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन मेनली दरअसल पार्ट इजेशन माने मुंह के अंदर फूड लेना, डाइजेशन माने उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना, एब्जॉर्प्शन बाद में उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन देन इजेशन। तो हमें डाइजेशन का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ बिकॉज वी टेक द फूड इन माउथ, जिसको इजेशन कहते हैं। बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ लेने को कहते हैं इजेशन, और हमारा डाइजेशन प्रोसेस का नाम कहते हैं हॉलोजोइक। हॉलोजोइक माने जो सॉलिड फूड हम बाहर से अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं। तो माउथ के अंदर जैसे हमने फूड को ले लिया, उस फूड को हम क्रश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। क्यों? ताकि वो स्मूथ बन जाए और उसके अंदर एक वाटर जैसे चीज़ मिक्स होता है तो वो वेट हो जाता है, ताकि इसमें थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनल में स्मूथली जा सकता है। जो माउथ में वाटर जैसे सीक्रेट होता है वो एक्चुअली सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेज नाम के एक एंजाइम निकालता है। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम एक टाइप का केमिकल, बायोकेमिकल माने लिविंग बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसका प्रेजेंस में ही कोई रिएक्शन पॉसिबल होता है, पर उसका कोई चेंज नहीं होता है, इसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो एंजाइम इज ए बायोकेमिकल कैटलिस्ट। सारे के सारे स्टेप कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम के बगैर नहीं होगा। तो एमाइलेज क्या करते हैं? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। बॉडी सिंपल शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करते, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्टार्च बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है, बहुत सारे कार्बन, उसको C12 तक तोड़ देते हैं, और वो जब तक C6 नहीं होता है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो चलो फर्स्ट स्टेप तो हो जाता है कि स्टार्च इज ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर बाय सैलिवरी एमाइलेज। ओके, बाकी प्रोटीन और फैट का कुछ नहीं हुआ माउथ के अंदर, और ऐसा ही फूड स्टमक तक आ जाता है। माउथ से स्टमक तक आने के लिए जो रास्ता है उसको ओएसोफेगस कहते हैं, OESOPHAGUS, ओएसोफेगस या फूड पाइप। और इस आने का जो मूवमेंट का नाम है, इस मूवमेंट का नाम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा है? ये पाइप है, ये पाइप में ये फूड आया तो ये दबा दिया, ये खुल गया, और फिर ये दबा दिया, ये खुल गया। तो ऐसे ही करके एक प्रेस कर रहा है, ये ओपन कर रहा है, तो यहाँ का फूड स्लिप होकर अंदर जा रहा है, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो माउथ से एनस तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही दिखता है। चलो फूड अभी ओएसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण स्टमक में पहुँच गया। अभी स्टमक में कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। स्टमक में तीन टाइप का केमिकल सीक्रेट हो रहा है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन, और थर्ड जो है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? ये एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फूड के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं जाने अनजाने में, उसको स्टेरिलाइज कर देते हैं, माने कि उसको मार डालते हैं, तो सारे माइक्रोब्स फ्री कर देते हैं फूड को, ताकि हमारा आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना करे। ओके, और एक एसिड मीडियम बना देते हैं, पूरा वातावरण एसिड बना देते हैं, ताकि पेप्सिन में जो पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो प्रोटीन को आधा डाइजेस्ट करते हैं, पर पेप्सिन को प्रोटीन में डाइजेस्ट करने के लिए उसको चाहिए एसिड मीडियम। ये एसिड मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कभी जरूरत से ज़्यादा सीक्रेट हो गया, वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। ये सुना, कई बार सुना होगा, तुम्हारे साथ भी कई बार हुआ होगा। नाउ पेप्सिन इट एंजाइम, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, पर आधा ही डाइजेशन होता है। और म्यूकस एक थूक जैसा है, ये म्यूकस क्या करते हैं, ये एसिड से स्टमक भी जल सकते हैं। एसिड हमारे हाथ पर गिर जाए तो हाथ जल जाता है, तो स्टमक तो जलेगा ही, तो पर ये म्यूकस स्टमक को बचाता है एसिड से। इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। ओके, तो स्टमक में क्या हुआ कि जो फूड हमने खाया वो माइक्रोब्स फ्री हो गया और प्रोटीन का आधा डाइजेशन हुआ, बस इतना ही हुआ। अभी ये स्टमक से फूड, और इसमें बहुत सारे चांड हो जाते हैं स्टमक में। नाउ यहाँ से फूड अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो पाइप जैसा है, स्टमक बड़ा एक थैली जैसा है।
तो सारे के सारे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साथ घुस जाए सारे तो स्मॉल इंटेस्टाइन जाम पड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो यह एक मसल होता है, SPHINCTER, स्पिंक्टर मसल। ये स्पिंक्टर मसल क्या करते हैं, इसको रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लोकेशन फॉर कॉम्प्लीट डाइजेशन, ओके, द फाइनल डाइजेशन। सबका फाइनल डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज में हो जाता है, प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन अमीनो एसिड में हो जाता है, फैट का फाइनल डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हो जाता है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, इसको हेल्प करने के लिए लीवर नाम के एक ग्लैंड है और पैंक्रियस नाम के एक ग्लैंड है। लीवर हमारा राइट साइड में है और स्टोमक हमारा लेफ्ट साइड में है। लीवर से बाइल जूस निकालते हैं। ये बाइल जूस का दो काम है, ये जो एसिड मीडियम में पेप्सिन काम किया था प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, अभी ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियास से पैंक्रियास जूस निकलेगा, पर उसको एसिड मीडियम पसंद नहीं है, उसको चाहिए अल्कलाइन मीडियम। अभी अल्कलाइन मीडियम, एसिड मीडियम से अल्कलाइन मीडियम बनाने का काम बाइल जूस करते हैं। ये और एक काम करते बाइल जूस, अल्कलाइन मीडियम माने बेसिक मीडियम, और एक काम करते इमल्सिफाई। इमल्सिफाई माने हमने जो इसमें सोप चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हाउ टू प्रोड्यूस सोप, दैट इज इमल्सिफिकेशन। ऑयल और वाटर ये दोनों मिक्स नहीं होता है, तो अगर ऑयल को फैट को डाइजेस्ट करना है, डाइजेशन सारे काम वाटर मीडियम में होता है, तो वाटर मीडियम में लाने के लिए फैट को वाटर में डिजोल्व होना जरूरी है, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी बिग ग्लोबुल ऑफ फैट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्लोबुल और इमल्सिफाइड फैट बन जाता है, माने ऑयल और वाटर मिक्स हो जाता है, इसको इमल्सिफाइड फैट कहते हैं, ओके। तो ये बाइल जूस अगर नहीं होता है तो हमारा फैट डाइजेशन का जो शुरुआत वो भी नहीं होता है, और फैट डाइजेशन के लिए जो अल्कलाइन मीडियम चाहिए वो भी नहीं होता है। लीवर में प्रॉब्लम है तो फैट खाना बंद, इसलिए दिस इज द रीज़न। नाउ पैंक्रियाटिक जूस से दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम निकलता है, ये ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन को जो आधा डाइजेशन हुआ था ये कॉम्प्लीट डाइजेशन करते हैं। और एक लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। ये लाइपेज क्या करते हैं, यह जो इमल्सिफाइड फैट है इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके और उसका डाइजेशन के तरफ लेके जाते हैं। फिर भी यहाँ डाइजेशन इनकम्प्लीट है। अभी कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, एक इंटेस्टाइन से ही एक जूस निकालता है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनल डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट को फाइनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि फैट का अगर डाइजेशन बोले तो शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये लाइपेज से होता है, और एक्चुअली लीवर फैट को थोड़ा सा इमल्सिफाई कर देते हैं और इमल्सिफाइड फैट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, और फाइनल इंटेस्टाइनल जूस से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बोले तो ये माउथ से शुरू होता है, सलिवरी एमाइलेज से होता है, पहले सिंपल शुगर बनता है, बाद में इंटेस्टाइनल जूस से ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन से बोले तो इसका डाइजेशन स्टोमक से शुरू होता है, पेप्सिन एंजाइम से और हाफ डाइजेशन होता है, और उसके बाद ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन एंजाइम से उसका और भी थोड़ा डाइजेशन हो जाता है, और फाइनल डाइजेशन होता है बाय इंटेस्टाइनल जूस, ये कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। अभी जितना सारे डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब ब्लड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लड कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन पाइप जैसा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे पाइप जैसा है, पर पाइप का जो इनर वॉल ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है, बराबर, कॉलमनर फैटी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऐसा इसका रह जाता है ऐसे। तो जब फूड इसके अंदर से पास होता है तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा मिल जाता है, और इस कॉन्टैक्ट सरफेस के अंदर ये जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है
इसको कहते हैं विल्ली, VILLI, विल्ली। ये विल्ली ब्लड में भरा हुआ होता है और ब्लड ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट ऑर्गन में, डिफरेंट फैक्ट्री, बॉडी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। ये बॉडी फैक्ट्री में जाके इसका कभी ब्लड बनाना है, कभी हार्मोन बनाना है, कभी एंजाइम बनाना है, कभी बोन बनाना है, कभी मसल बनाना है, कभी सेल, न्यू सेल बनाना है, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल यहाँ से बनता है। तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ या जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो फूड बाद में क्या हो जाता है, ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो फीसेस या लैट्रिन में कन्वर्ट होके एनस से बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो दिस इज द ह्यूमन डाइजेशन इन शॉर्ट। अभी इसका इन शॉर्ट बता देता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ में स्टार्ट डाइजेस्ट होता है, सैलिवरी एमाइलेज से सिंपल शुगर बनता है, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओसोफेगस से स्टमक में आता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको स्टेरिलाइज करते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये तीन चीज़ निकालते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक माने स्टमक, पेप्सिन से, पेप्सिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही निकालते हैं, ये प्रोटीन को आधा डाइजेस्ट करते हैं, म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं एसिड से, उसके बाद स्पिंस्टर्स मसल से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करने के लिए एक लीवर ग्लैंड होता है, एक पैंक्रियास ग्लैंड होता है, लीवर ग्लैंड से बाइल जूस निकलता है, एसिड मीडियम को अल्कलाइन मीडियम बना देता है, अल्कलाइन मीडियम में फैट डाइजेस्ट होता है, एसिड मीडियम में पेप्सिन डाइजेस्ट होता है, और इसमें बाद इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफाई माने वाटर और फैट को मिक्स करा देते हैं और बना देते हैं इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करते हैं लाइपेस नाम के एक एंजाइम जो पेंक्रियास से निकलता है, और ट्रिप्सिन नाम के एक एंजाइम है जो प्रोटीन को और थोड़ा डाइजेशन कर देते हैं। अभी फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस से बनता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विल्ली के अंदर ब्लड होता है, और विल्ली के जब पास होता है तब ये ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।